लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। तो लिपि मतलब भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, जो भाषा को हम जिस जिस स्टाइल से लिखते हैं उसको हम कहते हैं लिपि। जैसे इंग्लिश में हम अल्फाबेट्स लिखते हैं ए बी सी डी, उसको हम कहते हैं रोमन लिपि। और हिंदी में जैसे हम लिखते हैं क ख ग, है ना, तो उसको हम कहते हैं देवनागरी लिपि। तो अनेक भाषाओं की लिपि है देवनागरी, जैसे संस्कृत, हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि इन भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अब है कुछ प्रकार की भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं कि जैसे हिंदी और संस्कृत की भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी और उर्दू फारसी। तो ये इनकी ये भाषा है और ये इनकी लिपियाँ हैं, किस स्टाइल में ये लिखी जाती है। ध्यान दीजिए कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, कि 1949 में हिंदी को जो था राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली और हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम व्याकरण, ठीक है, तू क्या करने आया है, मैं तुम सबके साथ खेलने आया हूँ। तो यहाँ पर देखो कुछ बात अटपटी सी लग रही है, वो लड़की को बोले आया है और वो करे खेलने आया हूँ। अब यहाँ लड़के और लड़की की बातचीत अटपटी सी लग रही है क्योंकि इसमें लड़की के लिए पुल्लिंग की क्रिया तथा मैं के साथ आया है क्रिया का प्रयोग किया गया है। यह भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। तो हम बोलते समय भाषा को जो शुद्ध रूप से नहीं बोलते, तो जैसे इसने अब स्त्रीलिंग है लड़की लेकिन आया है गया है, ठीक है, तो अब ये हमें कौन सिखाता है कि हमें कैसे लिखना है, वो हमें व्याकरण सिखाती है कि हमें भाषा को शुद्ध रूप कैसे देना है। तो प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों को पालन करने से ही भाषा शुद्ध होती है। तो भाषा सही प्रकार से, जो प्योर भाषा है, जो सही भाषा, वो कैसे होती है, व्याकरण हमें सिखाता है कि हमने कैसे कैसे क्या लिखना है। जैसे सब्जेक्ट पहले आना है, फिर प्रेडिकेट बाद में आना है, है ना, जैसे हिंदी में हम विषय उद्देश्य है वो पहले आता है फिर विधेय बाद में आता है, इसी प्रकार इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर प्रेडिकेट। तो ये हम किससे सीखते हैं, व्याकरण हमें सिखाता है कि हमें पहले भाषा में क्या लिखना है और अपने सेंटेंस को सही रूप से कैसे लिखना है। तो वो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। तो अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण का ज्ञान ना होने से भाषा के प्रयोग में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम व्याकरण का हमें पता नहीं है, हमें लिंग का नहीं पता कि स्त्रीलिंग के लिए क्या लगना है, एक वचन में क्या लिखना है, तो सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, क्रिया कहाँ लगनी है, सब्जेक्ट कहाँ आना है, तो हम वो सही ग्रहण जो सेंटेंस है वो सही नहीं लिखेंगे, वो हमारा सेंटेंस जो होगा गलत होगा। तो वो हमें कौन बताता है, व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है, भाषा। और भाषा के तीन रूप कौन से, मौखिक होता है जब हम बोलकर और सुनकर समझते हैं, लिखित लिखकर और पढ़कर, और सांकेतिक जब इशारों से भाषा समझाई जाती है उसको हम कहते हैं सांकेतिक रूप। और एक विशेष क्षेत्र में, एक जो स्टेट में बोलने वाली भाषा उसको हम कहते हैं बोली। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, भाषा को जिस स्टाइल में लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और 14 सितंबर 1949 में संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। व्याकरण जो है वो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है कि हमने कैसे पढ़ना और लिखना है। थैंक यू।